हाय, तो देखिए आज के हम वीडियो में बात करेंगे कि न्यूरल नेटवर्क्स या फिर डीप लर्निंग आखिर किस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। देखिए कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग जो है वो हमको कुछ हम उसको सेट ऑफ रूल्स देते हैं, कुछ हम उसको इनपुट देते हैं तो वो हमको आंसर देती है। ठीक है, डीप लर्निंग ने इसको थोड़ा सा चेंज किया है। डीप लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग वाली जो हम बातें करते हैं उसमें बेसिकली क्या होता है कि उसमें हम आंसर्स देते हैं, इनपुट डेटा देते हैं, लेकिन रूल्स जो है वो सिस्टम खुद फिगर आउट करता है। ठीक है, तो अब देखिए किस टाइप की प्रॉब्लम्स है जो न्यूरल नेटवर्क सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका देखिए कोई एज सच कोई आंसर नहीं है, लेकिन एक तरीका है जो अभी करंटली चल रहा है इस बारे में, वो ये है कि देखिए कोई भी एक काम जो ए पर्सन स्किल्ड इन दैट एरिया है ना, ए पर्सन स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया, अगर वो ये जो पर्सन है ठीक है, कोई काम जो 1 या 2 सेकंड्स में कर सकता है तो वो काम आज की डेट में डीप लर्निंग कर सकती है। देखिए ये कोई रूल नहीं है, है ना, तो ये मतलब कोई मैथमेटिकल आंसर भी नहीं हो सकता है किसी चीज़ का, लेकिन ये वीडियो हम बस इसलिए बना रहे हैं कि अगर हमारे दिमाग में ये सवाल आए कि आखिर किस टाइप की प्रॉब्लम हो जिस पे मैं डीप लर्निंग, हमको न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग वाली अप्रोच लगानी चाहिए, तो देखिए वो इस टाइप के हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे देखिए हाउसिंग प्राइस प्रिडक्शन वाला जो एक एग्जांपल है वो बहुत यूज़ किया जाता है इसमें। तो भाई इसमें एरिया ऑफ द हाउस अगर आपको पता है, इसमें आपको लोकेशन पता है, इसमें आपको नंबर ऑफ रूम्स पता है, नंबर ऑफ किचन्स पता है, ठीक है, रोड विड्थ पता है कि भाई वो 80 फीट रोड है कि 40 फीट रोड पे है लोकेशन, तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अब देखिए इसमें एक आम आदमी जैसे मान लीजिए मैं, हमको इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ की प्राइस क्या होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी स्किल्ड पर्सन इन दिस पर्टिकुलर एरिया से बात करेंगे, यानी मान लीजिए आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात करते हैं, तो वो आपको जैसे ही आप उसको किसी जगह का पूछेंगे तो आपको फटाफट से रेट बता देगा। तो ये काम वो लगभग बहुत कम समय में कर सकता है। तो इस टाइप का काम देखिए ये न्यूरल नेटवर्क कर सकता है अगर आप उसको प्रॉपरली ट्रेन कर दें इन सब पैरामीटर्स पे। या फिर जैसे मान लीजिए कोई आपको इमेज गिवन है, ओके, अब उस इमेज में मान लीजिए कैट है, तो अब आपका सवाल है कि क्या इस इमेज में कैट है, आपको देना है हाँ या ना। तो ये काम ह्यूमन बींग्स नॉर्मली 1-2 सेकंड के भीतर ही कर देंगे, कम में ही कर दें भले ही, तो ये काम भी न्यूरल नेटवर्क्स कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप स्पीच रिकग्निशन ले लीजिए, है, तो अब स्पीच रिकग्निशन जब जैसे आप हमारी बात सुन रहे हैं तो आपको कोई समय थोड़ी लग रहा है हमारी बात को समझ पाने में कि हम क्या बोल रहे हैं, तो ये काम भी आप जो है एटमोस्ट 1-2 सेकेंड्स, इतना तो आप लेंगे ही नहीं, हम इतना तो कहाँ लेते हैं, हम कुछ मिली सेकेंड्स में हम समझ जाते हैं कि एग्जैक्टली सामने वाला बोल क्या रहा है। जैसे ही हमने बात सुनी वैसे ही हमने उसका इंटरप्रिटेशन निकाल लिया, उसकी बात को समझ जाते हैं कि वो क्या बोल रहा है, तो वैसे ही स्पीच रिकग्निशन भी हो जाएगा, है ना। इमेज हमने देख लिया है, अब कुछ NLP वाले टास्क हो गए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जैसे मान लीजिए आपने एक रिव्यू पढ़ा, अब आपको रिव्यू जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये उस पर्टिकुलर जिस भी चीज़ का रिव्यू है वो उस लिए नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ये काम भी जो है आप न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि जो भी पर्सन उसमें स्किल्ड है ठीक है, वो आपको 1-2 सेकंड में बता देगा कि जो भी आंसर है क्या होना चाहिए। और भी एग्जांपल्स ले लीजिए, मान लीजिए देखिए इमेज हो गया, स्पीच हो गया, ट्रांसलेशन, अब मान लीजिए किसी ट्रांसलेटर को आप देते हैं कि ये एक इंग्लिश सेंटेंस है और इसको आपको स्पेनिश में ट्रांसलेट करना है,
तो जो पर्सन उस एरिया में ट्रांसलेशन में स्किल्ड है उसको तो ये काम करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो उसको ट्रांसलेट कर देगा तुरंत ही। तो ये काम भी न्यूरल नेटवर्क्स कर सकते हैं। एग्जैक्टली कैसे करेंगे ये तो देखिए हम बाद के वीडियोस में देखेंगे, जब हम आरएनएन पे वीडियोस बनाएंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे तब देखेंगे। इसी प्रकार स्पीच भी हम तभी देखेंगे और इमेज जब हम सीएनएन पे वीडियो बनाएंगे तब हम उस कोर्स में देखेंगे। तो आप बस इतना सा देखिए, एक बहुत सही तरीका है इस बात का आइडिया लगा पाने का कि कोई चीज़ न्यूरल नेटवर्क सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अगर आप ये कह दें कि उस एरिया में जो स्किल्ड पर्सन है वो अगर कोई काम 1-2 सेकंड में कर सकता है तो बेसिकली वो काम न्यूरल नेटवर्क आज की डेट पे करने की संभावना अच्छी खासी है। जैसे मान लीजिए आपने आप मान लीजिए कोई सीसीटीवी फुटेज को देख रहे हैं और आपको कुछ भी उसमें एक्टिविटी रिकॉग्नाइज करनी है कि मान लीजिए किसी ने एटीएम से पैसा निकाला है या फिर इस टाइप की कुछ चीज़ें करनी है, तो अब जो भी सिक्योरिटी गार्ड इसको देख रहा होगा 1-2 सेकंड में फिगर आउट कर लेगा कि हाँ इस समय पैसा निकाला जा रहा है पैसा नहीं निकाला जा रहा है। तो ये काम भी न्यूरल नेटवर्क्स कर सकते हैं। तो अब देखिए इसमें ज़्यादा एग्जांपल हम नहीं देंगे क्योंकि अदरवाइज तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये जो रूल ऑफ थंब हमने बताया ये आज की डेट में तो वैलिड है, आगे जाके हो सकता है ये चेंज हो जाए बट आज की डेट में तो ये वैलिड है। थैंक यू।